शाहिद और ये है शाहिद। आज का टॉपिक जो चल रहा है वो है कि आपकी लाइफ में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या रोल है, मुझे यही फिगर आउट हुआ है, राइट। तो मेरा तो ये है कि मैं एवरी डे अपने और अपने हस्बैंड को पकड़ती हूँ और एक वीडियो वायरल कर देती हूँ जो एवरी डे हर लोग हर कोई देखता होगा कि लव स्टोरी अबाउट मैन एंड वुमेन एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, जो एक हमारा रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है जो हम यहाँ पर प्ले करते हैं। और जितना ज़्यादा मैं उसके थ्रू सपोर्ट कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं सपोर्ट करूँ, हर वो चीज़ मैं उसमें शेयर करती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी डाल देती हूँ जिससे मुझे ये लगता है कि शायद जो फीमेल्स देखती हैं उनको उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो वो मेरा एक थोड़ा सा चलता रहता है। बिसाइड दैट मैं कम्युनिटी में सबको सपोर्ट करती हूँ, ये सभी जानते हैं, किसी का भी इवेंट आता है उसको प्रमोट करना। तो मैं, मेरा प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कोई भी मुझसे कहता है कि तस्नीम ये इवेंट आ रहा है जस्ट प्रमोट अस, मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, आइए और मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। और यही मेरा पॉजिटिव आप सबके लिए मैसेज है कि हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है। और जो इवेंट भी हमने ऑर्गेनाइज किया है वो इसी बेसिस पे किया है जो आने वाला है IWFSC, सारी कम्युनिटीज को हम साथ लेके चले हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब आप इनिशिएट करते हैं और आप सब लोग इन्वाइटेड हैं जितने यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी, आपको बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इन्वाइट किया आज इतने अच्छे मौके पे लोगों से मिलने का मौका मिला। नदीम साहब भी के सी जी, और सबसे अच्छी बात ये है कि इन सबसे पहले ये है कि मैं रूबी जी से मिली और रूबी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड फीमेल है। इन्होंने मुझे जिस तरह कांटेक्ट किया, मुझसे जिस तरह बात की, और इनका जो इवेंट अभी लास्ट हुआ और उससे पहले भी जो मैं इवेंट्स देखती रही, ये सिर्फ मैंने दो एक लास्ट नहीं लास्ट से लास्ट जो हुआ था इमरान अशरफ का, उससे पहले जो हुआ था मुसरत मिसबा का, सो आई वॉज देयर एंड आई वॉज डूइंग सम हेल्प काइंड ऑफ थिंग, तो उस वक्त से मैं उनको देख रही हूँ और बहुत अच्छा ये इवेंट लेकर आती हैं कम्युनिटी के लिए बगैर ऐसी कोई खास चार्जेस के। शी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट कम्युनिटी, ब्रिंगिंग ऑल द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, कनाडा से बाहर लोगों को लाकर यहाँ पे प्रमोट करना, इट्स नॉट दैट ईजी, मैं कर रही हूँ मुझे अंदाज़ा है, प्रमोशन करना या इवेंट लाना इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टारगेट टू अचीव वाली बात है। सो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक एंड कीप डूइंग द बेस्ट वर्क।